And it does seem that pressure is mounting on the government to talk tough with Pakistan. On the 65th Army Day Parade, the Army Chief Bikram Singh once again sent out a tough message saying that the Indian Army has always adhered to human rights. सेना प्रमुख का कार्यभार संभालते वक्त मैंने सेना के लिए एक दूरगामी दृष्टि सोची थी, जिसके मुद्दे थे सेना की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना और ये यकीन करना कि हमारी सेना देश का एक सक्षम और उत्तरदायी हिस्सा बनी रहे। इस दूरगामी दृष्टि को लागू करने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जोर दिया है, जिन पर हम सब ने मिलकर गौर करना है। हमारे राष्ट्र की सीमाएं विश्व की कठिन और दुर्गम क्षेत्र में आती हैं, जिसमें शामिल हैं सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख और उत्तर पूर्व के दूरदराज इलाके। हमारे सैनिक इन अग्रिम इलाकों में युद्ध के सिद्धांतों और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने कार्य को बखूबी से निभा रहे हैं। हमारी सेना राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा और शत्रु के इरादों को विफल करने के लिए सदैव तैयार है। ऑपरेशनली डिप्लॉयड होने के साथ साथ हमारी सेना का आपदा प्रबंधन में तत्काल कार्रवाई की और नागरिकों को राहत और मदद प्रदान करने में भी अपना फर्ज बखूबी से निभाया है। चाहे यह जरूरत भूकंप आने के कारण थी, आधुनिक शास्त्रों को प्राप्त करने की कार्रवाई जारी है, आर्मी एविएशन की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल होंगे। इन्फेंट्री को एफ-15 से सुसज्जित करने के लिए भी हमारी कोशिश जारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारी इन कार्रवाइयों में भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है।